महाराणा सुहेलदेव की। आज इस महाराष्ट्र की पवित्र पावन धरती पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित महाराजा सुहेलदेव जी की 1014वीं जयंती के शुभ अवसर पर और वंचित समाज अधिकार चेतना महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के परम आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय विधायक बेदी राम जी और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष कुमार शंकर राजभर जी, अजय राय जी और मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण, इस मुंबई के तमाम कस्बों से आए हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक साथी, माताएं बहने, नौजवान साथियों, हमारे ने बताया कि गणेश चौहान जी जब पार्टी की शुरुआत हुई तो पाइपलाइन में हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। भाई श्याम प्रकाश राजभर जी हमारे बीच में नहीं है, मुझे बड़ा दुख है। मैं आप लोगों से केवल दो शब्द कहना चाहता हूँ। महाराजा सुहेलदेव जी की शासक थे, महाराजा सुहेलदेव जी शासक थे, महाराजा सुहेलदेव जी राजा थे। एक राजा का कर्तव्य होता है, एक राजा का दायित्व होता है कि हमारी प्रजा सुखी रहे, हमारी प्रजा को मान सम्मान, हक अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य मिले, एक राजा की यही ख्वाहिश होती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव शासक थे, महाराजा सुहेलदेव जी के बताए गए आदर्शों पर चलकर ही हम समाज को अधिकार मान सम्मान दिला सकते हैं, वरना हम दिला नहीं सकते। मैं आप लोगों के बीच में हमारे तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथी, हमारे तमाम बिरादरी के लोग आए हुए हैं। मैं एक स्वर में आप लोगों का सम्मान करते हुए, मैं अपना समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। मैं संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। अपने पुराने दिनों के सिपाही माननीय गणेश चौहान जी को महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।